हेलो, नमस्ते। मैं शशि वर्मा, आप सभी का स्वागत है मम्मी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मार्केट स्टाइल में आलू सैंडविच। आइए शुरू करते हैं। तंदूरी सैंडविच बनाने के लिए तंदूरी मैरिनेट बनाना शुरू करते हैं। मैं इसमें मूंगफली का तेल डाल रही हूँ 1 चम्मच। सरसों का तेल छोड़ के आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकती हैं, घी या तेल। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसी को मिला लेते हैं इस तरह से। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डाला है। इसी में मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह से टेस्ट के अनुसार नमक डाल रही हूँ। ये काला नमक है। थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल रही हूँ, आधी छोटी चम्मच टेस्ट के अनुसार। तंदूरी मैरिनेट तैयार कर रही हूँ। अब मैं इसी में दही डालूंगी। अच्छा गाढ़ा दही है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। दही में डाल लेना है 2 चम्मच दही डाल दिया है। और लहसुन की कली है, इसको क्रश कर लिया था। छोटा सा अदरक का टुकड़ा है, उसको भी क्रश कर लिया था। थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देते हैं, इसको मिला लेते हैं। इससे क्या है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चलो अब शुरू करते हैं। इसमें धुआं लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए मैं दिया को गरम करती हूँ। दिया ले लेना है, इसको गैस पे गरम करना है। अच्छा लाल गरम करना है इसको। थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है, भुनने लगा है। थोड़ा सा इसमें तेल के छींटे डाल देंगे ताकि वो जलने लगे। ये देखिए कितना अच्छे से लाल हो गया है। ये देखिए कितना अच्छे से। ये मैंने थोड़ा सा तेल डाला था और थोड़ा सा जीरा डाला था। बढ़िया तड़का हो गया है, ये अच्छा फ्लेवर आया है, अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए मैंने इस तरह से बनाया है। आलू सैंडविच बनाने के लिए अब स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। एक कटा हुआ शिमला मिर्च मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। 2 चम्मच किसा हुआ प्याज डाल रही हूँ, इसको भी बारीक मैंने चॉप कर लिया था। 2 चम्मच मैं आलू डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा स्टफिंग कर सकते हैं। धनिया पत्ती डाल रही हूँ टेस्ट के अनुसार। आप इसको मिला लेते हैं। देखिए कितना अच्छा से तैयार हो गया है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। स्टफिंग तो ऐसा है, आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मैं तो 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप अपनी फैमिली के लिए बनाए तो आप उस हिसाब से आप बना सकती हैं। आलू सैंडविच बनाने के लिए मैंने स्टफिंग तैयार कर ली है। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, छोटा बड़ा आपके पास जो भी हो उसमें बना सकती हैं। आप तैयार करती हूँ। इसको जलाती हूँ, पैन को गरम करती हूँ, बटर लगा लेती हूँ ब्रेड पर। पास जो भी हो, बटर हो घी हो, आप वो लगा सकती हैं। देखिए मैंने लगा के तैयार कर लिया है। थोड़ा सा इसमें पैन में घी लगा रही हूँ। अब मैं इसी में सेक लेती हूँ। ये मैंने घी लगाया था, घी की साइड में थोड़ा सा सेक लेती हूँ हल्का ब्राउन होने तक। मैं इसको निकाल लेती हूँ, इसी तरह से सेकना है। अब मैं इसी तरह से ये दूसरी सेक लेती हूँ। मैं पैन में घी लगा रही हूँ, ठीक रही है। मैं इसके दौरान में स्टफिंग लगा लेती हूँ। इसमें शिमला मिर्च है और प्याज है, इसको क्रंची ही रखना। मैंने इसीलिए मैं फ्राई नहीं किया है क्योंकि क्रंची रहेगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इस तरह की मार्केट में मिलती है, मार्केट जैसे ही मैंने बनाया है। आप एक बार बना के देखिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। कलर आ गया है, कितने अच्छे से सीख गई है इस तरह से। अब ये वाला पार्ट मैं इस तरफ रखूँगी, इसको इस तरह से दबा देना है। अब मैं इसमें घी लगाऊँगी, पैन में सेकना है कलर आने तक, इसको क्रंची होने तक इसको सेकना है। थोड़े से साइड से घी और लगा देती हूँ। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको सेकने में। अब इसको पलट देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। इस तरह से घी लगा दें, क्रंची होने तक इसको सेकना है। इस तरह से घुमा दीजिए कि पूरे में अच्छे से घी कवर हो जाए। इतना बढ़िया कलर आया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। दोनों साइड में अच्छा कलर आया है, ये देखिए बढ़िया सिकी है।
अब मैं इसी तरह से दूसरा भी बना के तैयार करती हूँ। मैंने घी लगाया था उस तरफ से गई है, अभी घी लगा हुआ है। इसको भी लाइट कलर आने तक इसको सेक लेते हैं, तब मैं स्टेपिंग लगाती हूँ। लगाना है तंदूरी आलू सैंडविच, बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी भी होती है। तरफ मैंने सेका है, उस तरफ का पार्ट ऐसे रख देती हूँ चिपका के। इसको इस तरह से सेकना है, ये सेक गया है। अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। काट लेती हूँ, देखिए आवाज़ आ रही है। ये देखिए इतनी बढ़िया लग रही है। देखिए मैंने तंदूरी आलू सैंडविच बना के तैयार कर लिया है, बहुत अच्छा बना है और बहुत टेस्टी है, बिल्कुल मार्केट जैसा है, चटपटा भी है। फैमिली के साथ एंजॉय करिए और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा, बच्चे तो बार बार खाएंगे और वो आपको बार बार बनाते रहना है। और इस तरह से बनाइए, आने वाला वीडियो मेरा देखते रहिए और पिछला वीडियो भी देखते रहिए। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। थैंक यू।